हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आए हैं, गांव से संबंधित है। जो गांव के प्रेमी हैं उनको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये है सरसों का साग, जो कि सर्दी के मौसम में ही अधिकतर मिलता है। तो सरसों का साग आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। सरसों का साग मक्के की रोटी के साथ में और बाजरे की रोटी के साथ में बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने सरसों को अच्छे से तीन चार पानी में धुल लिया है इसको, और धुलने के बाद अब हम इसको कट करेंगे। जो इसके मोटे डंठल होंगे, मोटे मोटे जो हार्ड होंगे इसके डंठल, उनको हम हटा देंगे, नरम नरम काटेंगे। देखिए, ये ऐसे हम इसकी पत्तियां तोड़ लेंगे और ये जो मोटे मोटे डंठल हैं इनको हटा देंगे, और ये मुलायम मुलायम जो है पत्ते, इनको ऐसे बीन लेंगे सारे पत्ते। ये मैंने ऐसे इतने बीन लिए हैं मुलायम मुलायम पत्ते। अब ये जो ये टेढ़ा बेढ़ा जो है इसको निकाल दूंगी। अब हम बहुत महीन महीन ऐसे इसको कट कर लेंगे, जितना महीन कट कर पाए आप। ऐसे हम महीन महीन कट करते जाएंगे। ये दोस्तों, मैंने फ्रेश ये जो सरसों के पत्ते हैं वो मैंने लिए हैं खेत से, मैंने गांव से मंगवाया है। तो ये क्वांटिटी में लगभग आधा किलो होंगे, तो इन्हीं को मैं आज बनाने जा रही हूँ। ऐसे मैंने इतने पत्ते कट कर लिए हैं। अब बाकी के बच्चे पत्ते भी ऐसे ही हम साफ करके मुलायम मुलायम लेके और कट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने सरसों का साग पूरा कट कर लिया है पत्तों को इनके। अब इसमें डालने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होगी तड़का लगाने के लिए और इसमें डालने के लिए, वो देख लीजिए। मैंने लिया है, ये देखिए, पांच छह कलियां हैं लहसुन की, इनको छोटा छोटा कट कर लिया है, और हरी मिर्च पांच छह ले ली है, इनको कट कर लिया है, और एक बड़ा प्याज ले लिया है छोटा कट करके, और एक चम्मच ये धनिया पाउडर, और ये कुछ मेथी दाने लगभग आधा चम्मच से कुछ कम है, और ये हुरहुरा इसको हम बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं इसको बताइएगा। गोल गोल होता है ये, तड़का लगाने के काम आता है। ये यूपी साइड में ज्यादा होता है, जो लोग यूपी के रहने वाले हैं वो उनको अच्छे से पता होगा। तो ये इसको हम हुरहुरा बोलते हैं, ये डालेंगे तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, गैस को भी ऑन कर दिया है। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे, थोड़ा ही डालेंगे, और सरसों का तेल हम गर्म होने देते हैं। फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब सबसे पहले हम डालेंगे इसमें मेथी दाने। मेथी दाने का भी फ्लेवर दोस्तों बहुत अच्छा होता है। अगर फ्रेंड्स आपके पास ये हुरहुरा नहीं है, तो आप मेथी दाना, खाली मेथी दाने से भी आप इसको तड़का लगा सकते हैं। अब हमने इसमें हुरहुरा ही डाल दिया है, और मेथी दाना भी आपके पास अगर नहीं है तो जीरे से भी छौंक सकते हैं, वैसे मेथी दाने का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो हुरहुरे को आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं डालना, बस हमको पसंद है इसलिए हम डालते हैं। ये चिटक गया है, अब हम डाल देंगे लहसुन, इसको चलाएंगे, ये जब ब्राउन हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे प्याज, अब जाएगा इसमें प्याज, प्याज डाल के इसको ब्राउन होने तक भून लेंगे अच्छे से। ये देखिए, प्याज हमारा ये लाल हो चुका है, ब्राउन सा लगने लगा है। अब हम इसमें डाल देंगे ये जो पत्ते कट किए हैं सरसों के, ये डाल देंगे, आंच धीमी ही रखेंगे, अभी ज्यादा लग रहा है, और इसमें जब भाप लगेगी तो ये पिचक जाएगा, थोड़ा सा बचेगा, और इसको ऐसे हाथ लगाते हुए पलट देंगे, नहीं तो मसाले ये नीचे जल जाएंगे, इसलिए हमने पलट दिया है इसको। अब ऐसे ही सारी सरसों के पत्ते इसमें हम डाल देंगे,
ये देखिए मैंने सारे पत्ते इसमें डाल दिए हैं। अब ये अभी ज्यादा लग रहा है तो हम इस पे ढक्कन ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। अब जब भाप लगेगी तो ये पिचक जाएगा और फिर उसको पलटेंगे, तब हम और मसाले डालेंगे। अब हम ढक्कन खोल के देख लेते हैं। अब इसको हम फिर से पलट देंगे। ये देखिए नीचे भाप लगी है तो हमारी सरसों जो है वो कम होने लगी है इसकी, ऐसे फिर हम पलट देंगे पूरा। ये देखिए कम पड़ गई है। क्योंकि ये पत्ते जो है पानी भी छोड़ते हैं, इसलिए पानी वानी बिल्कुल नहीं डालना है हमको, धीमी आंच पे ही इनको पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो मैंने मिर्च कट की हुई थी ये डाल देंगे, और हरी धनिया वो सॉरी सूखी ये धनिया डाल देंगे पिसी हुई, और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा ही डालेंगे, अभी ये ज्यादा दिख रहा है, अभी और थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। नमक कम ही रखें क्योंकि हरी चीजों में नमक कम ही अच्छा लगता है, अगर तेज हो जाएगा तो भी नहीं अच्छा लगेगा, तो इसलिए हम बहुत थोड़ा सा ही नमक डाल रहे हैं। और इसको फिर चला के मिला देंगे। ये देखिए पानी इसका छूटने लगा है। ये इसको मिलाने के बाद धीमी आंच पे बिल्कुल इसको ढक के हम रख देंगे, पकने देंगे। ये रख दिया, अब इसको धीमी आंच पे पकने दे रहे हैं। थोड़ी देर दोस्तों हो गई है, लगभग 2-3 मिनट हो गए हैं। तो फिर से देख लेंगे इसको खोल के, बीच बीच में ऐसे ही खोल खोल के देखते रहेंगे, चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से लग सकता है, जल सकता है। अब देखिए पानी भी सूखने लगा है, ये देख अभी थोड़ा सा है। अब ऐसे ही धीमी आंच पे फिर ढक के हम पकाएंगे, मिला देंगे ये सब सारी चीजें, और फिर ऐसे ही ढक के थोड़ी देर पकने देंगे। क्योंकि ये जो डंठल है ये थोड़ा थोड़ा पकने लगे हैं, अभी ज्यादा नहीं पके हैं। वैसे ही इनको फिर ढक दिया, फिर पकने देते हैं। फिर हम कढ़ाई खोल के देख लेते हैं, फिर थोड़ी देर हो गई है, देखते हैं। ये देखिए पानी पूरी तरह से सूख चुका है। अब हम देख लेते हैं पक गया है कि नहीं। ये देखिए अब ये पक गया है अच्छे से। अब हम तेज आंच कर देंगे थोड़ी सी, और इसको ऐसे ही खुले में पकाएंगे, सारा पानी सुखा देंगे, भूनेंगे अच्छे से। ये अभी एक में लिपटा हुआ लग रहा है, जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो सब अलग अलग हो जाएगा सूखा सूखा। ऐसे हम चलाते रहेंगे और तेज आंच पे इसे खुले में पकाते रहेंगे। भूनते भूनते रखिए लगने लगा है इसे, इसको ऐसे लगना वाला हटाते रहेंगे, इसे छीलते रहेंगे और ऐसे चलाते रहेंगे। इसको चलाना हर समय है, नहीं तो ये नीचे ज्यादा लग जाएगा। ऐसे ही चलाते चलाते सूखा सूखा कर देंगे। देखिए अब ये साग जो हमारा है अच्छे से भून चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये सर्व करने के लिए रेडी है दोस्तों। ये सरसों का साग हमने सर्व कर दिया है, तो ये खाने के लिए रेडी है। हमने बाजरे की रोटी के साथ में घी लगा के सर्व किया है। आप मक्के की रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं, मक्के की रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारे पास मक्के का आटा नहीं था तो हमने बाजरे का बनाया। तो अगर आप लोगों को दोस्तों ये सरसों के साग की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं, और पास में दिख रही बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दिया कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा हमारे चैनल को। और अगर अच्छा लगे या बुरा लगे, कुछ भी लगे, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।